नमस्ते अय जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, मैं शंख के बारे में अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था, तो शंख की बहुत सारी महिमा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े बहुत सारे फायदे हैं, यौगिक अभ्यास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। 7 चक्रों को एक बार में, आपकी कुंडलिनी को एक बार में वाइब्रेट करता है। अगर आप किसी भी शंख को उठा करके एक बार 3 बार इसे बजाते हैं, शंख बजाने का सही तरीका ये होता है, उसमें उंगली घुसाते हैं, किसी शंख में उंगली घुसाना पड़ता है, किसी में नहीं घुसाना पड़ता, लेकिन ये है सूरजमुखी शंख, सबसे ज़्यादा जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो कि तकरीबन बहुत रॉ फॉर्म में होता है, सबसे ज़्यादा रॉ इसे यही होता है, मतलब इसमें बहुत कम इसमें काटा फिटा किया गया होता है। तो सूरजमुखी शंख अगर आप खाली पेट हो, उपवास में हो, सुबह नहा धो करके आप जब अपने पूजन स्थली में या अपने व्यापार स्थली में शंखनाद करते हो, तो पहले शरीर में क्या फ़ायदे हो रहे हैं उनको समझा देता हूँ। जो सांस भर के जो वाइब्रेट करते हो और शंख की वाइब्रेशन आपके कान में और आपकी आज्ञा चक्र में सीधे पड़ती है, आपकी पूरी की पूरी कुंडलिनी एक बार में वाइब्रेट होती है, मतलब 7 के 7 चक्र एक बार में वाइब्रेट होते हैं, जागृत होते हैं नहीं बोल रहा हूँ, वाइब्रेट हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, आप एकदम से ऊर्जा से भर जाते हैं। अगर आप रोज 21 शंखनाद करेंगे, 21 शंखनाद रोज, तो अगले 21 दिनों में आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को धारण करेंगे, हीलिंग पावर बढ़ जाएगी, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाएगी, फोकस करने की पावर बढ़ जाएगी, आप किसी भी चीज़ में अपना अटेंशन बहुत लंबे समय तक रख पाएंगे, आप जो भी चीज़ करना चाहेंगे उसमें आपकी विल पावर बढ़ जाएगी। ये तो हो गया मानसिक शक्ति जो शंखनाद करने से आएगी। दूसरा, अगर आप लो बीपी पेशेंट हैं, लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सिर्फ शंखनाद करने से चली जाएगी, अगर आप खाली पेट शंखनाद करते हैं तो। सूरजमुखी शंख को ही सबसे अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई भी कटिंग कोई भी पॉलिश नहीं हुआ होता है, ये बिल्कुल रॉ होता है और इसका साउंड भी बिल्कुल रॉ है। मिनिमम 3 शंखनाद से आप इसको शुरू करें, अब आप सोचेंगे कि मैंने ये हाथों में इस तरह से मेहंदी क्यों लगाया हुआ है, हम हीलर्स हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है, तो हाथों में लाल मेहंदी हम लगाते हैं, फिलहाल तो लामा फेरा की लगी हुई है, लामा फेरा में भी शंख का बहुत इस्तेमाल है। ये तो चलो हो गए इसके कुछ फ़ायदे कुछ गुण, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर में जो प्राण होता है, प्राण मतलब श्वास जो होती है, सांसों पे अगर आप ध्यान लगा लें तो आप अपने अंदर सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। केवल शंखनाद करने से आप अपने सांसों पे ध्यान लगाना सीख जाते हैं। इसमें भूसा भरा हुआ था तो जब आप शंख लेंगे तो शंखनाद करेंगे तो उसमें से भूसा वगैरह निकल सकता है, क्योंकि पैकिंग में उसको पैक करके रखा गया होता है, तो हर शंख का साउंड थोड़ा अलग होता है। किसी का बहुत हैवी होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, शंख ज़रूर रखें। ये तो हो गया शारीरिक लाभ, अब मैं इसका पूजन विधि में लाभ बताता हूँ। शंखनाद करते ही उस जगह की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाती है, पवित्र हो जाती है। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का भ्राता माना गया है शंख को, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से जन्मी है और माता लक्ष्मी के बाद सबसे सुंदर कोई चीज़ है समुद्र में तो वो है शंख, तो समुद्र का पुत्र शंख मतलब माता लक्ष्मी का भाई भगवान विष्णु हमेशा इसे अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं, 4 भुजा होती हैं उनके, तो लेफ्ट हैंड में भगवान विष्णु रखते हैं, राइट हैंड में सुदर्शन रखते हैं। तो आध्यात्मिक महत्व तो भी शंख का आप समझिए कि केवल शंखनाद से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी, स्वास्थ्य का लाभ तो आपको हो ही रहा है। अब कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ बेटा, शंख
में जो सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर में मैं शंख को पसंद करता हूँ वो है पंचमुखी शंख। ये है ना कुमारी लड़कियों के लिए, ये तो सबके लिए है, कुमारी हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे पर सबके लिए, ये बेसिकली कुमारी लड़कियों के लिए। इस शंख का नाद करने से आपके अंदर स्त्री तत्व का विकास होता है। माँ लक्ष्मी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी इसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है, इसमें आपको स्त्री तत्व का विकास होगा। पंचमुखी शंख को इस तरह से उंगली फंसाया जाता है, इसमें आपकी उंगली फंसाने के लिए इसमें जगह होता है, उंगलियों को रख करके तुम्हारी लड़कियां जो यौवन में अभी अभी आ गई हैं या युवा हैं जो अभी कुमारत्व में रहना चाहती हैं, अभी भी अपने अंदर सुंदरता को, आने वाले समय में मातृत्व को, अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स को, अपने फीमेल हॉर्मोन्स को सुरक्षित रखना चाहती हैं, अच्छा रखना चाहती हैं, उनके लिए ये पंचमुखी शंख छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है, बहुत अच्छा होता है बेटा। इसका प्रयोग करो और इसको बजाओ सुबह खाली पेट में, हो सके तो शाम को भी खाली पेट में। तो ये सिर्फ 3 बार रोज़ बजाने मात्र से आपकी सुंदरता निखरेगी, इस शंख से सुंदरता निखरती है, ठीक है। फीमेल्स में मेल्स को नहीं करना है, मेल्स के लिए आप सबके लिए बेटा ये सूरजमुखी शंख सबसे बेस्ट है। सेहत अच्छी होगी तो सुंदरता अपने आप आएगी, लेकिन सेहत के साथ साथ फीमेल्स के लिए, फीमेल हॉर्मोन्स के लिए सबसे अच्छा होता है, साइंटिफिक रिसर्च है इसमें। अब इसके बाद आध्यात्मिक महत्व में एक और शंख लेते हैं, सूरजमुखी शंख का ये लाल शंख। ये बेटा बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम ये मिल पाता है, तो ये मैं किसी अच्छे योगी को अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहूँगा, ये मेरी तरफ से उपहार होगा आप में से ही किसी बहुत अच्छे साधक को, जिन्होंने कोई बहुत अच्छी साधना की है या इस दिवाली बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं या कोई भी अपनी साधना पूरी की है। तो जब आप अपनी साधना पूरी करेंगे तो आप हमें बताइएगा, मैं जानता हूँ हमारे स्टूडेंट में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई कहीं साधना कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को मैं ये लाल शंख गिफ्ट करूँगा, अपनी तरफ से उपहार दूँगा। तो ये शंख बेटा, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शंख को हमेशा ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए, किसी पुराने योगी से जो शंख को बजा रहे हों या किसी हीलर से जो शंख को हील करके रखे हों, चार्ज करके रखे हों, या किसी साधक से जो अपने गुरु से जो शंख को पहले ही बजा चुके हों, कई बार बजा चुके हों, तो ऐसे ही किसी जानकार से, जानकारी रखने वाले से, या किसी साधक से या किसी गुरु से शंख को लेना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो ये थी शंख की महिमा जो इस दिवाली से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता था, कभी भी ले सकते हो, लेकिन शंख को लेने के बाद भी एक तरीका होता है, पूरा एक तरीका होता है कि शंख को कैसे घर में लाया जाता है, कैसे अपने पूजन स्थली में रखा जाता है, इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, है ना। और व्यापार स्थल में कहीं पर भी इसको, जहाँ भी पूजा स्थल है वहाँ अपना एक शंख को रखिए और देखिए कि कैसे बरकत आती है आपके जीवन में। तो ये सारे सूरजमुखी शंख हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, ये आज डिलीवर होने वाले हैं, आज इसको भेजने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके महिमा के बारे में बता दूं कि ये तो सब हीलर्स के पास, सब त्यौहार का समय है तो सब अपने अपने घर में चाहते हैं, तो उनके लिए तैयार किया गया है। आप लोगों को भी शंख की महिमा पता होनी चाहिए। बेटा मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें शंख को कैसे अपने घर में लाया जाता है वो मैं सिखाऊँगा, ठीक है जी। नमस्ते जी।